प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ई पाठशाला में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। लास्ट डे हमने पढ़ा था कि कीबोर्ड क्या होता है, उसमें कितनी कीज होती हैं, कौन कौन सी की क्या काम करती है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ा था हमने माउस के बारे में, कितनी तरह के माउस होते हैं और माउस का क्या काम होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी इनपुट डिवाइस के बारे में, इसका नाम है जॉयस्टिक। ठीक है, देखा भी होगा आपने इस तरह का जॉयस्टिक गेम्स वगैरह प्ले करने के लिए, हेलीकॉप्टर्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए, रोबोट्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं इसका। ठीक है, ये भी एक तरह की इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है, विच इज यूज टू मूव कर्सर पोजिशन ऑन द स्क्रीन, जिसका इस्तेमाल कर्सर की पोजिशन को स्क्रीन के ऊपर मूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, का काम भी उस कर्जर को ही कंट्रोल करने का होता है। मतलब गेम में जैसे हम प्लेयर्स वगैरह कंट्रोल करते हैं ना, या हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करते हैं, यानी कि एक तरह से वो ही एक कर्जर का काम करते हैं फिर, और उस कर्जर को कंट्रोल करने का काम करती है हमारी जॉयस्टिक, यानी कि उन चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करती है हमारी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज यूजफुल इन प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर, टू कंट्रोल रोबोट्स, हेलीकॉप्टर। ठीक है, जॉयस्टिक जो है वो यूजफुल है, लाभदायक होती है प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलने में। ठीक है, कंप्यूटर्स के ऊपर गेम खेलो, या फिर रोबोट्स को कंट्रोल करो, या फिर हेलीकॉप्टर्स को कंट्रोल करो, बहुत सारे काम होते हैं जॉयस्टिक। ठीक है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की तरफ, जिसका नाम है लाइट पेन। लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, लाइट पेन भी क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है, देखने में इस तरह का होता है ये। That is used to select menu option and draw pictures on screen. अब light pen भी एक pointing device, एक pointing उपकरण है। That is used to, जिसका इस्तेमाल किया जाता है to select menu, menu option select करने में, and draw pictures on screen, और pictures को draw करना screen के ऊपर उसके। ठीक है, it consists of photo cell and an optical system in a small tube. बोलते हैं कि इट कंसिस्ट, कंसिस्ट मतलब इसमें समाविष्ट होता है, समाविष्ट मतलब इसके अंदर लगा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फोटो सेल, इसके अंदर एक फोटो सेल लगा होता है, मतलब छोटा सा सेल डलता है, जैसे घड़ियों में डलता है ना, जो हाथ में रिस्ट वॉचेस पहनते हैं, एक छोटा सा सेल लगा होता है। एन ऑप्टिकल सिस्टम, और उसके आगे एक ऑप्टिकल सिस्टम, एक रोशनी वाले से बल्ब से लगा होता है इसके आगे। ठीक है, इन्हें स्मॉल ट्यूब, ये स्मॉल ट्यूब ही होती है फिर। ठीक है, जैसे लेजर देखा है ना आपने, लेजर जाते हैं मेले, मेले में जाते हैं, वहाँ पे खरीदते हैं वो लेजर, है ना, लेजर बीम निकलती है रेड कलर की, उस तरह का ही होता है ये भी। ये उस लेजर बीम से ही सारी चीजों को ऑपरेट करने के काम आता है, ड्राइंग करने के काम आता है। ठीक है, तो पहले आते थे हमारे मोबाइल फोन स्क्रीन टच इस तरह के होते थे, जो इस तरह के पेन से चलते थे, टाइम टचिंग से चलते थे। ठीक है, तो ये हमारा लाइट पेन, ये भी एक इनपुट डिवाइस। अब इसके बाद हम बात करते हैं टच स्क्रीन की। टच स्क्रीन तो आप सभी ने देखी होनी है, एंड्रॉयड फ़ोन की एटीएम मशीन में लगी होती है ना। टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस। अब टच स्क्रीन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस होता है हमारा। ठीक है, इसके द्वारा भी हम डाटा ही एंटर करते हैं। टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस दैट वर्क्स ऑन टच सेंसिटिविटी, जो काम करती है हमारी टच, हमारी छूने की जो संवेदनशीलता होती है, सेंसिटिविटी हम उसको बोलते हैं, छूने की संवेदनशीलता, हमारी छुअन को महसूस करती है, मतलब उसकी संवेदना को महसूस करती है। जैसे हम टच करते हैं ना तो चीज़ें चल पड़ती हैं, इनपुट हो जाती हैं ना। इट टेक्स इनपुट विद अवर फिंगर, ये हमारी उंगलियों से इनपुट लेती है, उंगलियों के जो टच से है ना, उंगलियों के जो से हम इसको छूते हैं ना, उससे ये इनपुट लेती है। सच एज एंड्रॉयड फ़ोन स्क्रीन, अब ये बोल रहे हैं कि जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन होती है, विंडो फ़ोन की स्क्रीन होती है, एटीएम मशीन की स्क्रीनें होती हैं, वो सारी की सारी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, टच स्क्रीन है सारी की सारी। चलो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की तरफ, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल इज लाइक एन अपसाइड डाउन माउस। अब ट्रैक बॉल जो है एक उल्टा माउस ही मान लो कि एक उल्टे माउस की तरह होती है। ठीक है, ये बॉल माउस में नीचे होती है और ट्रैक बॉल में ऊपर होती है, बटन सेम वैसे ही होते हैं, लेफ्ट और राइट बटन होते हैं इसमें। ठीक है, और ये अप डाउन करने के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज इन द सेम वे एज ए माउस, ये भी सेम ऐसे इस्तेमाल की जाती है जैसे माउस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका काम सेम माउस की तरह ही होता है, माउस की तरह ही केबल लगी होती है इसमें, ये देखो तरह तरह की होती हैं, और ये भी तरह तरह की डिज़ाइन में, तरह तरह के मॉडल्स में आती हैं ट्रैक बॉल्स। और ट्रैक बॉल भी क्या है, एक ये भी एक टफ पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, माउस की तरह काम करता है।
अब बात करते हैं अपनी सेवंथ इनपुट डिवाइस की, जिसका नाम है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर ये होते हैं स्कैनर। ठीक है, स्कूल में भी आपको दिखा देंगे जब स्कूल लगेंगे तो, स्कैनर में किस तरह से स्कैनिंग करते हैं, प्रिंट कैसे लेते हैं। ठीक है, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर भी एक इनपुट का उपकरण है, दैट इज यूज्ड टू स्कैन अवर डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, इवन अवर हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड स्टोर देम इन डिजिटल फॉर्म इन टू कंप्यूटर मेमोरी। अब स्कैनर भी एक इनपुट का उपकरण है, दैट इज यूज टू, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू स्कैन अवर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने में, पिक्चर हो उसको भी स्कैन करने में, ग्राफिक्स हो कुछ भी हो, ग्राफिक्स पिक्चर्स वगैरह कुछ भी हो उसको स्कैन करने में, इवन यहाँ तक अवर हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि हमारे हाथ से लिखे हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी स्कैन करने के काम आता है। ठीक है, एंड स्टोर्ड देम इन डिजिटल फॉर्म इन टू कंप्यूटर मेमोरी, और उनको फिर स्कैन करने के बाद ये डिजिटल मेमोरी में, यानी कि डिजिटल फॉर्म में, यानी कि 0 और 1 में कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर देता है। ठीक है, जैसे फ़ोन में हम फोटो खींचते हैं ना, तो वो फोटो जो हम खींचते हैं वो भी एक तरह की स्कैनिंग ही होती है। ठीक है, उस फोटो को खींच के वो फिर डिजिटल फॉर्म में मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है। मोबाइल फ़ोन जो होते हैं हमारे, एंड्रॉयड फ़ोन है ना, सेम वैसे स्कैनर होते हैं, वैसे ही करते हैं ये भी काम। स्कैनर आर ऑफ 3 टाइप्स, स्कैनर भी 3 तरह के होते हैं, एक ड्रम स्कैनर होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं और लाइन स्कैनर होते हैं, ये स्कैनर्स की टाइप्स हैं। ठीक है, पहले तो यही देख लो आप, इस तरह का होता है इसके अंदर, इसमें प्लेट को उठा के यहाँ पे पेज को रखते हैं, चाहे उसकी फोटो स्टेट निकालो, चाहे कंप्यूटर के साथ इसको जोड़ के उसकी सॉफ्ट कॉपी रख लो उसके अंदर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम, ये पहले देख ही लेते हैं। चलो, ये लाइन स्कैनर है, इस तरह के होते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे ऊपर से प्लेट को ओपन करते हैं, इसके डोर को, और लाइन इसमें पेजेस वगैरह डालते हैं, और स्कैनिंग का काम भी सेम वैसे ही। ये देखो, ड्रम स्कैनर बड़े होते हैं, थोड़े से फ्लैट वेड स्कैनर इस तरह के होते हैं, फ्लैट से होते हैं, पिक्चर यहाँ पे रखो और स्कैन करके इस पिक्चर को फिर डिजिटल फॉर्म में हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी में रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपनी 8वीं इनपुट डिवाइस की तरफ, जिसका नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज एन ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है एक ऑप्टिकल स्कैनर ही है, यानी कि एक इनपुट डिवाइस ही होती है। ठीक है, ऑप्टिकल स्कैनर तब बोल रहे हैं क्योंकि रोशनी के ऊपर काम करते हैं, जैसे स्कैनर था ना पीछे, वो भी सारे रोशनी के ऊपर ही काम करते हैं, एक रोशनी पड़ती है ना हमारे पेज के ऊपर उसको स्कैन करती है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर इज एन ऑप्टिकल स्कैनर है दैट रीड OMR शीट्स। अब जो OMR शीट को रीड करता है, इनके लिए खास एक स्पेशल शीट बनाई होती है, मैं आगे दिखाता हूँ। ठीक है, उनमें हम जो चीज़ें भरते हैं ना उनको, उन शीटों को सिर्फ यही रीड कर सकता है, उन शीटों को सिर्फ यही पहचान सकता है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। एन ऑप्टिकल मार्क रीडर एन OMR शीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट कंटेन बबल्स, इसमें एक बबल्स बने हुए होते हैं ना, गोले से बने होते हैं इसके अंदर, दैट आर फिल्ड विद, जिनको हम भरते हैं विद ब्लैक और ब्लू इंक, काली या नीली स्याही के साथ, एंड ओनली ऑप्टिकल मार्क रीडर कैन रीड दीज फिल्ड बबल्स, और केवल ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो ही सिर्फ इनको रीड कर सकता है, इन भरे हुए बबल्स को। ठीक है, अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ, ये होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसमें डलती है ये OMR शीट, ये होती है OMR शीट, ये OMR मशीन है और ये OMR शीट है, इस तरह की होती है ये OMR शीट। देखो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे रोल नंबर भरा ना, 1 2, या यहाँ पे भरो 5 6 7। ठीक है, 5 6 7 भरा, तो यहाँ पे 5 भरेंगे तो यहाँ पे जाके हम 5 को यहाँ पे ये 5 को हम ब्लैक कर देंगे ब्लू या ब्लैक इंक से। ठीक है, यहाँ पे 6 भरेंगे तो यहाँ पे जाके यहाँ 6 के सामने इसको 6 को हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है, और 7 यहाँ पे भरेंगे तो 7 को जाके हम यहाँ से ये 7 के ठीक सामने 7 को ब्लैक कर देंगे। बोल रहे हैं कि इन जो गोलों को हम काला करते हैं ना, इनको सिर्फ OMR ही रीड करता है, यही मशीन सिर्फ रीड कर सकती है इस शीट को। ठीक है, भरी हुई शीट को। तो ये होता है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर, और ये होती है हमारी OMR शीट। ठीक है, ये हमारी OMR शीट, आप भरोगे जब आप एग्ज़ाम दोगे, मैट्रिक का बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ पे ये शीट भरने पड़ती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम टेस्ट वगैरह देते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे भी इस तरह की ऑप्शंस आती हैं, या हमारे जो टेस्ट होते हैं, जैसे हम जॉब के लिए टेस्ट देते हैं, वहाँ पे इस तरह की शीट आती है, उसमें क्वेश्चन होते हैं हमारे 4 ABCD, मतलब इनमें हमारे आंसर होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो, या उसका सी है या डी है, तो इस तरह से हम 1 का सी ब्लैक कर देते हैं, या 2 का जो भी होगा आंसर उसको यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं। तो ठीक है, इन आंसर को डिटरमिन करने का या ज्ञात करने का या पता लगाने का काम करता है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर।
अब बात करते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की। अब मार्क रीडर तो हो गया, अब आगे आता है एक ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर भी एक इनपुट का ही उपकरण है, ठीक है, ये भी एक इनपुट का ही उपकरण है, ये भी ऑप्टिकल है, मतलब रोशनी के ऊपर काम करने वाली चीजों को हम ऑप्टिकल बोलते हैं, ठीक है, बार बार समझा रहा हूँ। माउस होते हैं, नीचे लाइट जलती है तो वो ऑप्टिकल ही है, ठीक है, बॉल वाला होगा तो वो मैकेनिकल माउस होगा, ठीक है, ये ऑप्टिकल है क्योंकि रोशनी के ऊपर काम करता है। दैट रिकोगनाइज प्री स्पेसिफाइड अल्फाबेट्स, जो पहचानता है, रिकोगनाइज मतलब होता है पहचानना, दैट रिकोगनाइज प्री स्पेसिफाइड अल्फाबेट्स, जो पहचानता है, प्री स्पेसिफाइड मतलब पहले से ही लिखे हुए शब्दों को, जैसे ए टू जेड शब्द होते हैं या न्यूमेरिक करेक्टर्स होते हैं 0 to 9 ऑफ डॉक्यूमेंट। ये क्या करते हैं इस मशीन को, हम ना जो पहले से डॉक्यूमेंट के ऊपर अक्षर लिखे होते हैं, इस मशीन को जैसे ही घुमाते हैं ना, उन अक्षरों को ये पढ़ता है ना और कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर देता है उन अक्षरों को, ठीक है, ये चीजें भी आपको समझ आ जाएंगी बाद में धीरे धीरे, ठीक है। ये एक ऐसी मशीन है, जैसे मान लो अखबार है ना, अखबार के चाहते हैं कि आपके जो शब्द लिखे हुए अखबार के, वो फोन या हमारे कंप्यूटर के अंदर वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो जाए, तो हम इस मशीन को घुमाएंगे ऊपर ऊपर और ये शब्दों को ही वहाँ से रीड करेगा और उसमें शब्दों के रूप में, वर्ड्स के रूप में स्टोर कर देता है। तो ये होता है हमारा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। चलिए अब बात करते हैं माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन के बारे में सुना होगा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं माइक, है ना, इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है पूरी माइक्रोफोन, ठीक है। अब माइक्रोफोन इज अ डिवाइस, माइक्रोफोन भी एक उपकरण है, दैट एक्सेप्ट इनपुट, जो इनपुट को एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, वॉइस मतलब आवाज के रूप में, फॉर्म होती है रूप, ठीक है। माइक्रोफोन भी एक उपकरण है जो एक्सेप्ट करता है हमारी इनपुट को, यानी कि लेता है, एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है हमारी इनपुट को, किस रूप में, आवाज के रूप में, ठीक है। माइक्रोफोन हेल्प्स इन मिक्सिंग म्यूजिक एंड स्टोर साउंड इनटू डिजिटल फॉर्म इनसाइड ए कंप्यूटर। माइक्रोफोन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं गानों की मिक्सिंग करने में, ठीक है, फिल्मों में भी देखा होगा, शो देखे हुए हैं ना, मुंह के आगे लगा था छोटा सा माइक, उससे गानों को रिकॉर्ड करते हैं और उनकी मिक्सिंग भी करते हैं, जो होती है मूवीज वगैरह बनती हैं, हमारे गाने वगैरह बनते हैं, और उनको ये फिर क्या कर देता है माइक्रोफोन, देखो ना माइक्रोफोन हमारी रिकॉर्डिंग के काम तो आते हैं, मोबाइल फोन से हम रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी आवाज़ को, तो वो माइक ही है जो हमारी साउंड को इनपुट के तौर पे लेता है और उसको फिर डिजिटल फॉर्म में हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे मोबाइल फोन के अंदर स्टोर कर देता है। ये काम होता है माइक का, ठीक है, आवाज़ को लेना और उसको अंदर स्टोर करने का काम, ठीक है, ये होते हैं हमारे माइक। तो ये थी हमारी 10 इनपुट डिवाइसेस। अब उसके बाद आती है हमारी 11वीं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मेरे ख्याल से आपको ये 10 पॉइंट ही काफ़ी हैं आज के लिए, ठीक है, बाकी पॉइंट्स सब कल पढ़ेंगे, तो कल मिलते हैं हम नए पॉइंट्स के साथ, ठीक है, तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इन क्वेश्चंस को याद करते रहें और समझते रहें, बार बार वीडियोस को देखना है अगर समझना है, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।